लग रहा है जैसा कि कल आप सभी लोगों को हम बताया था, मैंने कल पूरा मीडिया में ब्रीफ किया था कि एक कस्टोडियल डेथ हुई है किरण नगर में। तो कल विद रिगार्ड टू दैट हमने एक प्रोटेस्ट किया था लूंडी मोड, और मेरे ख्याल से 5-6 घंटे के करीब रोड बंद रहा था, और वहाँ पर मौके पर डीसी साहब आए थे और एसएसपी साहब वहाँ पर मौके पर आए थे। तो वहाँ पर कुछ एश्योरेंस उन्होंने हमें दिए थे, तो फिर उसके बाद एश्योरेंस करवाने के बाद हम गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हमने पोस्टमार्टम करवाया डेड बॉडी का, लेकिन हमने डेड बॉडी नहीं। उसके बाद रात को हम घर चले गए, डेड बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में है। देर आफ्टर हम अभी डीसी साहब से मिले हैं, एसएसपी साहब भी वहाँ पर थे। तो जैसा कि उन्होंने एश्योर किया था हमें कि आपको हम इंक्वायरी मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो है वो भी करवाएंगे, विद रिगार्ड टू दैट हमें लेटर दे दिया है मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी का, प्लस जो उसकी जो वाइफ है उसके लिए कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न जो है वो भी डीसी साहब ने लेटर जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर दी है। तो विद रिगार्ड टू दैट, और प्लस उन्होंने क्या किया है, रेड क्रॉस से कुछ कंपनसेशन भी लड़की के खाते में वो ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, और उसके लिए डीसी साहब ने हमें ये भी अश्योर किया है कि मतलब जैसे भी जो भी होता है हमारी तरफ से जो भी प्रोविज़न होगा हम कहीं ना कहीं इसको मीन वाइज जब तक रिकमेंडेशन या मतलब जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है तब तक हम इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट लड़की को करेंगे, सो दैट उसके घर का वो खाना वगैरह चलता रहेगा। उसके बाद डीसी साहब ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उसके मतलब भी उन्होंने लेटर भेज दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। उसमें जो भी होगा स्टेटमेंट वगैरह लोगों का लिया जाएगा, देयर आफ्टर कैंपिंग होगी, उसके बाद जो भी कल्प्रिट निकलेंगे, जो भी उसमें मुलजम पाए जाएंगे जिनके खिलाफ साबित होगी, क्योंकि उस इंक्वायरी का पार्ट मैं भी हैं, वर्मा साहब भी हैं, तो उस इंक्वायरी में जो भी आएगा दे विल बी बुक्ड अंडर दी लॉ। समय सीमा तय की गई है, देखो उसमें जो इंक्वायरी है वो हमारे पास लेटर है 20 फरवरी तक, उसकी रिपोर्ट एडीएम और हमने मिलके वो हमने रिपोर्ट डीसी साहब को सबमिट करनी है, एंड दैट रिपोर्ट वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारी सीधी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जाएगी, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। अगर डीसी साहब वो नहीं भेजते हैं तो इनफैक्ट उसमें क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, क्योंकि चाहे वो मुलजम है चाहे कोई बंदा बाहर है उसके एक ह्यूमन राइट्स होते हैं, और जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बिकॉज जब तक किसी का गिल्ट प्रूव नहीं होता तब तक वो मुलजम नहीं बनता, चाहे वो कस्टडी में है, इवन के प्रिजनर्स जो हैं उनका भी एक ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर उनकी कहीं पर भी कोई वायलेशन होती है तो उनके लिए प्रोविज़न है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, वो उसमें प्रॉपरली एक्ट करता है, एंड डीसी इज़ बाउंड, डीसी उसके लिए बाउंड होता है, इसको वहाँ पर लेटर भेजना होता है, इमीडिएटली लेटर भेजना होता है, और लेटर भेजने के बाद विद इन टाइम फ्रेम वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, एंड वो फिर नेशनल ह्यूमन राइट उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के जो कंपनसेशन भी होगा वो भी डिसीज्ड के परिवार टीम का हिस्सा है, परिजन जो पीड़ित हैं वो उम्मीद रखें कि इंसाफ मिलेगा, परिजन उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो इनफैक्ट मेरा भी दोस्त था, हमें पूरा यकीन है क्योंकि हम खुद इंक्वायरी का मेंबर है, हमने डीसी साहब से बात की थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक शक था कि कल को इंक्वायरी होगी हम पार्ट नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन देखो वी हैव टू बिलीव, क्योंकि ये कंट्री जो है ये रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, और रूल ऑफ लॉ नो बॉडी इज अबव द लॉ, तो और लॉ पे हम बिलीव करते हैं, अगर इंक्वायरी में हमें लगेगा कहीं कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो देयर आर कोर्ट्स। जो आपको लेटर दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? उस लेटर पे एक तो इन्होंने हमें वो दिया है
कि हम इंक्वायरी के मेंबर हैं, दूसरा इन्होंने श्री जियालाल वर्मा जी और एडवोकेट धर्मवीर विल बी द पार्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड विल असिस्ट द एडीएम, और सेकंडली जो किया है इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन किया विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ डिसीज वाइफ, वो उसमें रिकमेंडेशन दी। वर्मा जी क्या मेरे प्रिय साथियों, आप मीडिया से हैं, बात यह कि संतुष्टि की कोई बात है ही नहीं, इस तरह संतुष्टि की बात नहीं है जी। हमारे एक नौजवान बच्चा चला गया जी, और उसको इतना टार्चर किया गया पुलिस द्वारा कि उसका मर्डर कर दिया, हत्या हो गई। हम बहुत ही सदमे में हैं और हम चाहते हैं कि जो भी सजा देनी है वो संविधान और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक दी जाए। हमें जो आश्वासन दिया गया है हम उस पर यकीन करेंगे, और हमारे पास रास्ता भी क्या है, अगर हम नहीं यकीन करते हैं तो फिर हम वहाँ से उठते ही नहीं। हम तो ऐसे आए थे रोड पर कि अगर उसको इन्होंने ब्रूटली अगर मारा है तो हम भी मर जाएंगे, मगर इंसाफ लेकर छोड़ेंगे, और हमने इंसाफ आज लिया है, अब देखना है जी सरकार कैसे हमें इंसाफ देती है।